हेलो एवरीवन, इन्फॉर्मेशन थ्योरी एंड कोडिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम देख रहे हैं एरर कोडिंग में अब साइक्लिक कोड्स। तो इससे पहले हमने लीनियर कोड्स देखे थे। लीनियर कोड्स में क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं दो लीनियर कोड्स को ऐड करूं तो जो उसका रिजल्टेंट होता है वो भी एक कोड होता है, एक कोड वर्ड होता है। तो अब साइक्लिक कोड क्या होते हैं, ये भी लीनियर कोड्स होते हैं बट इसके अंदर एक साइक्लिक शिफ्ट नाम की प्रॉपर्टी होती है। सो अ साइक्लिक कोड इज़ अ लीनियर कोड दैट हैज़ द प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी, दैट इज साइक्लिक शिफ्ट ऑन एनी ऑफ द कोड वर्ड प्रोड्यूसेस अनदर कोड वर्ड। कि अगर एक कोड वर्ड है, लेट अस से ये वाला कोड वर्ड है, अगर मैं इसको एक प्लेस लेफ्ट पे शिफ्ट करूँ या दो प्लेस लेफ्ट पे शिफ्ट करूँ या एक प्लेस राइट पे शिफ्ट करूँ या ऐसे कितने भी प्लेसेस राइट पे शिफ्ट करूँ, तो जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो भी एक कोड वर्ड होगा। ठीक है, सो द साइक्लिक शिफ्ट मे बी लेफ्टवर्ड्स और राइटवर्ड्स बाय एनी नंबर ऑफ प्लेसेस। ऐसा नहीं है कि सिंगल प्लेस से ही आप शिफ्टिंग करोगे, आप कितने भी नंबर ऑफ प्लेसेस से शिफ्टिंग कर सकते हो। तो जैसे अगर मैंने एक कोड वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है सी एन माइनस वन, एन माइनस टू, अप टू सी ज़ीरो, और इसमें मैं लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ बाय वन प्लेस, तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं लेफ़्ट शिफ्ट करूँगा तो क्या होगा, ये इधर आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, सी सी एन माइनस टू, सी एन माइनस थ्री, सी वन, सी ज़ीरो एंड सी एन माइनस वन यहाँ पे आ जाएगा। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक कोड वी कैन से दैट दिस सी डैश इज ऑल्सो अ कोड वर्ड। ऐसे कोई भी कोड वर्ड जिसमें लेफ्ट या राइट शिफ्ट करके हमें जो रिजल्ट मिलता है वो भी एक कोड वर्ड होता है, ऐसे कोड वर्ड्स को हम कहते हैं दे आर साइक्लिक कोड्स। ठीक है, अब देखते हैं कि अगर मैं राइट शिफ्ट करूँगा तो क्या होगा। लेट अस से मैंने यहाँ पे राइट शिफ्ट किया बाय फोर प्लेसेस, ठीक है, राइट शिफ्ट किया बाय फोर प्लेसेस, तो जो कोड वर्ड मिलेगा, लेट अस से हमें मिला सी टू, सी वन, सी ज़ीरो, ऐसे करते करते सी फोर, सी थ्री, सो दिस इज ऑल्सो अ कोड वर्ड। मतलब चाहे आप लेफ्ट शिफ्ट करो चाहे राइट शिफ्ट करो बाय एनी नंबर ऑफ प्लेसेस, आपको जो रिजल्ट मिलता है अगर वो भी एक कोड वर्ड है तो हम कहते हैं हमारा कोड साइक्लिक कोड है। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक कोड्स। अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के लिए मैं वही ले रहा हूँ, 7x4 हेमिंग कोड्स। तो 7x4 हेमिंग कोड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप जितने भी कोड्स पढ़ोगे लगभग उन सब में इसका यूज़ होता है। सो 7x4 हेमिंग कोड देखते हैं कि क्या ये साइक्लिक कोड हैं। पहले हम इसमें देख चुके हैं दे आर लीनियर कोड्स, तो एक चीज़ तो हम इसमें देख चुके हैं कि ये लीनियर कोड होते हैं और साइक्लिक कोड्स भी लीनियर कोड्स होते हैं विद इन एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक शिफ्ट। तो अगर देखो मैं एक कोड वर्ड लेता हूँ इसमें एग्जांपल के लिए C3, इसका C3 कोड वर्ड क्या होता है, 0011101, ठीक है। अब इसमें हम कुछ शिफ्टिंग करके देखते हैं। लेट अस से लेफ्ट शिफ्ट बाय टू प्लेसेस, दो प्लेसेस से लेफ्ट पे शिफ्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिला सी डैश। अब देखो कितना मिलेगा, जब हम दो से शिफ्ट करेंगे तो ये दोनों के दोनों इधर आ जाएंगे, तो क्या मिलेगा, 1110100, ठीक है, यही मिलेगा हमें। अब अगर आप हेमिंग कोड्स देखोगे तो ये कौन सा कोड वर्ड है, आप चेक कर सकते हो हेमिंग कोड्स की टेबल में, दैट इट इज़ कोड नंबर 14। सो हमने क्या देखा, हमने लेफ्ट शिफ्ट किया फिर भी हमें कोड वर्ड मिला, तो ये पता लगता है कि दैट दिस कोड वर्ड इज अ साइक्लिक कोड। बट सिर्फ एक कोड वर्ड के साइक्लिक कोड होने से हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा पूरा कोड है कि 7x4 हेमिंग कोड साइक्लिक होता है। बट इनडीड अगर आप सब में चेक करोगे इसके तो वो साइक्लिक आपको मिलेगा। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं इसमें। सपोज चलो इसी को दोबारा से शिफ्टिंग कर देते हैं यहाँ पे, हम लेफ्ट शिफ्ट
बाय थ्री प्लेसेस। अब दोबारा से शिफ्टिंग कर लेते हैं एक बार, तो देखते हैं क्या मिलता है। अगर तीन प्लेसेस से इसको लेफ्ट शिफ्ट करोगे तो क्या मिलेगा, ये तीनों एंड में चले जाएंगे, यानी 0 1 0 0 1 1 1, यही मिलेगा। आप दोबारा से चेक कर सकते हो टेबल में दैट दिस इज़ द कोड वर्ड नंबर C10 ऑफ द 7,4 हैमिंग कोड। तो इस तरह से आप सारे कोड वर्ड्स में देख सकते हो हैमिंग कोड के। पॉसिबल नहीं है सारे कॉम्बिनेशंस निकालना, बट इंडीड हैमिंग कोड्स आर साइक्लिक कोड्स। अब देखते हैं कि क्या किसी कोड वर्ड में कुछ कोड्स साइक्लिक हो सकते हैं और कुछ कोड्स नॉन साइक्लिक। सो उसके लिए क्लासिकल एग्जाम्पल है और वो है 5,2 लीनियर कोड का। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 5,2 लीनियर कोड्स। अब इसमें देखते हैं कि यह क्या ये साइक्लिक है या नहीं है। तो इसमें C1 है मेरे पास 0 1 1 0 1, C2 है 1 0 1 1 1 और C3 है 1 1 0 1 0, ठीक है। अब देखो इसमें अगर मैं यहाँ पे शिफ्टिंग करता हूँ वन प्लेस की, वन प्लेस लेफ्ट की, तो मुझे ये मिल जाएगा। सो दिस इज़ लेफ्टिंग लेफ्ट शिफ्ट बाय वन प्लेस, क्योंकि ये एंड में चला जाएगा, क्या मिलेगा 1 1 0 1 0, तो हमें ये मिल गया। तो इससे ये तो पता लगा कि ठीक है C1 हमारा साइक्लिक कोड है। बट इसमें अगर मैं एक और शिफ्टिंग करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक और बार अगर मैं इसमें लेफ्ट शिफ्ट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 0 1 0 1, 1 0 1 0 1। नाउ दिस इज नॉट अ कोड वर्ड, ये कोई कोड वर्ड नहीं है। सो इससे क्या पता लगता है कि सम ऑफ द कोड्स ऑफ दिस आर साइक्लिक, सम ऑफ कोड वर्ड्स आर साइक्लिक बट नॉट ऑल, सारे नहीं हैं बट कुछ कोड्स साइक्लिक हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 5,2 लीनियर कोड्स आर नॉट साइक्लिक, क्योंकि अगर हम कहेंगे ना कि साइक्लिक है तो सारे कोड वर्ड्स जो हैं इस पर्टिकुलर लीनियर कोड के उन सबको साइक्लिक होना कंपलसरी है, ठीक है। सो आई होप दिस मच इज़ क्लियर दैट साइक्लिक कोड्स होते क्या हैं, लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट बाय एनी नंबर ऑफ प्लेसेस रिजल्ट गिव्स यू अनदर कोड वर्ड दैट आर साइक्लिक कोड्स। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग टू द एनकोडिंग एंड डिकोडिंग प्रोसीजर ऑफ साइक्लिक कोड्स, हमें इसमें पॉलीनोमियल्स के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि पॉलीनोमियल की मैथमेटिक्स क्या होती है, एडिशन देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम साइक्लिक कोड्स की बात करते हैं। अब साइक्लिक कोड के अंदर जो इनकोडिंग और डिकोडिंग होती है वो हम जनरेटर मैट्रिक्स से ना करके पॉलीनोमियल्स से करते हैं बिकॉज दे आर मोर सुइटेबल। सो पॉलीनोमियल्स इन साइक्लिक कोड्स आर यूज फॉर इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। सो इनकोडिंग और डिकोडिंग प्रोसीजर के लिए हम पॉलीनोमियल्स का यूज़ करते हैं, और जो एन्कोडिंग और डिकोडिंग का जो प्रोसीजर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम देखेंगे इस वीडियो में कि पॉलीनोमियल को हम कैसे जनरेट करते हैं और उनकी मैथमेटिक्स कैसे होती है। सो एन बिट वर्ड विद दिस वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलीनोमियल, और वो ऐसे लिखते हैं हम an-1 एक्स की पावर n-1 प्लस an-2 एक्स की पावर n-2 अप टू a0, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, ये एक वर्ड है, मुझे इसको पॉलीनोमियल की फॉर्म में लिखना है। तो ये क्या है, अगर मैं इसको वेक्टर्स की फॉर्म में लिखूँ तो ये क्या है, a0 दिस इज़ a1 a2 a3 a4 a5 एंड a6, ठीक है। सो अब इसको हम लिखना का शुरू करते हैं पॉलीनोमियल की फॉर्म में, और इसको मैं कहता हूँ p1 है ये मेरा, दिस इज p1x। तो a ऑफ n-1 क्या है बेसिकली, दिस इज a6। सो a6 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस a5 एक्स की पावर 5, और ये जाएगा कहाँ तक, a0 एक्स की पावर 0 तक। सो a6 क्या है यहाँ पे, 0। सो 0 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस a5 क्या है, 1। सो 1 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस a4 क्या है, 1। सो 1 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस a3 है 0। सो 0 डॉट x3 प्लस 0 डॉट x2 प्लस 1 डॉट x1
प्लस दिस इज ज़ीरो, सो ज़ीरो डॉट एक्स ज़ीरो, तो क्या मिलेगा फाइनल, एक्स फाइव प्लस एक्स फोर प्लस एक्स। तो ये हमें मिल गया पॉलिनोमियल पी वन एक्स किसके लिए, इस वाले पर्टिकुलर वर्ड के लिए, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम दूसरे वाले वर्ड का पॉलिनोमियल निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, अब अगर इसका निकालता हूँ मैं, इसको लिख देता हूँ पी टू एक्स, तो सिंपल देखो इसका आ जाएगा आंसर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन। तो ऐसे आप किसी भी पॉलिनोमियल का, किसी भी वर्ड का पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखेंगे इन दोनों पॉलिनोमियल्स के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे एडिशन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो उससे पहले एक टर्म और है कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, जैसे आपको मैथमेटिक्स में भी पता होगा डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होती है, इट इज़ द लार्जेस्ट पावर ऑफ एक्स दैट हैज़ नॉन जीरो कोएफिशिएंट। तो अगर पी वन की बात करते हैं हम, पी वन एक्स में डिग्री क्या होगी फाइव, और पी टू एक्स की डिग्री क्या होगी थ्री, क्योंकि लार्जेस्ट पावर क्या एक्स की, पी वन के केस में फाइव और यहाँ पे थ्री, ठीक है। अब देखते हैं इनका हम मैथमेटिक्स। सो सबसे पहले निकालेंगे एडिशन पी वन एक्स प्लस पी टू एक्स, तो क्या होगा ये पी वन एक्स प्लस पी टू एक्स, एक्स फाइव प्लस एक्स फोर प्लस एक्स, देन प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन। अब इसमें थोड़ा सा आपको देखना है कि कैसे करोगे, यहाँ पे भी हमेशा मॉड्यूलो टू एडिशन आपको यूज़ करना है, मॉड्यूलो टू एडिशन का ही कंसेप्ट यूज़ करना है। तो जैसे तो एक्स फाइव के कोएफिशिएंट सिंगल है तो एक्स फाइव, एक्स फोर का कोई और कोएफिशिएंट है नहीं सो एक्स फोर, अब एक्स का एक और कोएफिशिएंट है तो एक्स कॉमन ले लिया और उसमें वन प्लस वन अंदर ब्रैकेट में आ गया। अभी देखेंगे आगे इसका क्या यूज़ है, देन एक्स क्यूब का कोई और कोएफिशिएंट है नहीं और वन का कोई और है नहीं सो सिंपल वन। अब मॉड्यूलो टू एडिशन में वन प्लस वन क्या होता है, मॉड्यूलो टू एडिशन में वन प्लस वन होता है ज़ीरो, जिसकी वजह से ये पूरी टर्म क्या हो गई ज़ीरो। तो हमें क्या मिला एक्स फाइव प्लस एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस वन, सो एडिशन होके हमें ये चीज़ मिलेगी। तो किस चीज़ का ध्यान रखना है, हमें मॉड्यूलो टू एडिशन का यूज़ करना है, ठीक है। अब निकालते हैं इसमें हम मल्टीप्लिकेशन पी वन एक्स डॉट पी टू एक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो कैसे होगा एक्स फाइव प्लस एक्स फोर प्लस एक्स, और इसे मल्टीप्लाई करना है हमें एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन से। तो अब देखो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे हम, सिंपल जैसे आप पॉलीनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते हो, एक्स फाइव को पहले इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या मिलेगा यहाँ पे एक्स एट प्लस एक्स सिक्स प्लस एक्स फाइव, ठीक है ना। देन प्लस एक्स फोर को भी इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स सेवन प्लस एक्स फाइव प्लस एक्स एक्स फोर प्लस, अब एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे इन सब से तो क्या मिलेगा एक्स फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब जिनके कोएफिशिएंट सेम हैं उनको हमें एक तरह से देखना है, और जिनके सेम नहीं हैं उनको अलग रखते हैं। एक्स एट का और कोई है नहीं है, उसके बाद देखते हैं एक्स सेवन का कोई है नहीं है, एक्स सिक्स का कोई है नहीं है, एक्स फाइव के दो कोएफिशिएंट्स हैं तो एक्स फाइव कॉमन लिया वन प्लस वन, प्लस एक्स फोर के हैं दो हैं तो एक्स फोर वन प्लस वन, उसके बाद एक्स स्क्वायर का कोई है नहीं है और एक्स का कोई है नहीं है, अगेन अगेन दिस इज़ ज़ीरो, मॉड्यूलो टू एडिशन में ये भी ज़ीरो। तो हमें फाइनल क्या मिला आंसर एक्स एट प्लस एक्स सेवन प्लस एक्स सिक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें ये मिलेगा। सो पॉलिनोमियल की एडिशन देख ली और मल्टीप्लिकेशन देख ली। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैथमेटिक्स यूज़ होती है पॉलिनोमियल में वो है डिवीजन, क्योंकि डिवीजन हम यूज़ करेंगे एनकोडिंग और डिकोडिंग के टाइम पे भी।
सो अब देखते हैं डिवीजन. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर डिवीजन ऑपरेटर. तो क्या डिवाइड करना है, देखो एक्स फाइव प्लस एक्स फोर प्लस एक्स, और डिवीजन करना है इसका एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन से. तो हमेशा हम जब डिवाइड करेंगे तो पहली वाली टर्म को इक्वल करने की कोशिश करो, इसके कोएफिशिएंट्स को इक्वल करने की कोशिश करो, ठीक है. तो कैसे इक्वल होगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक्स स्क्वायर से. सो एक्स स्क्वायर लिखो. अब देखो एक्स स्क्वायर से मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा आपको, एक्स फाइव प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है. इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे. सो माइनस माइनस माइनस, माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगी टर्म. सो इसको कैंसिल कर दो, ये टर्म कैंसिल हो गई. अब क्या मिला, ऊपर से लिखो एक्स फोर देन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है. अब इसको दोबारा से मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि एक्स फोर बन जाए एक्स से. सो प्लस एक्स, सो क्या मिला, एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स, ठीक है. अब दोबारा से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे. सो माइनस करोगे तो पहली टर्म कैंसिल आउट हो गई, सेकंड टर्म भी कैंसिल आउट हो जाएगी. सॉरी एक्चुअली इसमें एक्स स्क्वायर आएगा, ये दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दो. अब देखो क्या मिला हमें, एक्स क्यूब प्लस ये वाला एक्स प्लस देन सिंपल हमें मिलेगा यहाँ पे एक्स क्यूब, ठीक है. सो एक्स क्यूब प्लस एक्स तो यहाँ से आया और ये वाला एक्स यहाँ से आ गया. अब देखो इसमें जब आप बुक्स के अंदर देखोगे तो डायरेक्टली यहाँ पे आंसर लिखा होगा, इसकी जगह लिखा होगा सिंपल एक्स क्यूब. बट वो कैसे हुआ, क्योंकि ये क्या है, मॉड्यूलर टू एडिशन के अंदर ये टर्म क्या होती है, ज़ीरो. तो ये सिंपल बच गया एक्स क्यूब. अब इसको हम किससे करेंगे, सिंपल वन से. सो क्या मिला हमें, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन. दोबारा से माइनस करोगे और इस वाली टर्म को कैंसिल आउट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, फाइनल एक्स प्लस वन, ठीक है. सो ये है हमारा डिवीजन. सो द रिमाइंडर इज, रिमाइंडर जो मिला, रिमाइंडर क्या मिला हमें, ये हमें रिमाइंडर मिला. और इस चीज़ का यूज़ आगे इनकोडिंग और डिकोडिंग के टाइम पे होगा. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. एंड अगेन इन दिस डिवीजन ऑल्सो मॉड्यूलर टू एडिशन इज यूज्ड. तो जब आगे हम इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे इनकोडिंग डिकोडिंग में, तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इसका कंसेप्ट. सो दिस इज़ द फर्स्ट लेक्चर ऑन साइक्लिक कोड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स. थैंक यू.